हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वर्ल्ड। सो गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए पपी लेके आया हूँ ये थोड़ा सा अलग है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने इसकी ब्रीड के बारे में सुना भी नहीं होगा। गाइस, इसकी जो ब्रीड है उसका नाम है इंग्लिश कॉकर स्पेनियल। क्योंकि गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बड़ा डॉग रखना नहीं चाहते और छोटा उनको पसंद नहीं। गाइस, कुछ लोग मीडियम डॉग रखना चाहते हैं और ये उनमें से ही एक है। अगर आप मीडियम डॉग रखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए गाइस। क्योंकि चोकर स्पेनियल जो डॉग होते हैं वो मीडियम टाइप के डॉग होते हैं गाइस। सो गाइस, आगे वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ और मैंने जस्ट अभी ये चैनल स्टार्ट किया है। गाइस, अगर मुझसे कोई भी गलती होती है और आप लोगों को लगता है कि ये गलत किया है तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपने ये गलत किया है। और आप लोगों के पास मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे वीडियो में क्या और ऐड करना चाहिए गाइस, क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। सो गाइस, अगर आप में से किसी के पास भी यूट्यूब की नॉलेज है तो प्लीज़ थोड़ी मेरे साथ भी शेयर करें यार, क्योंकि मैं भी आपका दोस्त आपका भाई हूँ और आपकी थोड़ी सी नॉलेज मेरे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। सो प्लीज़ गाइस, अगर किसी के पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो प्लीज़ थोड़ी सी नॉलेज शेयर करें यार। सो गाइस, वापस पॉइंट पे आते हैं, चोको स्पेनियल। गाइस, अगर आपके घर में कोई भी बच्चे या बड़े हैं तो उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये काफ़ी फ्रेंडली डॉग होते हैं। और गाइस, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो इसके साथ काफ़ी अच्छे से खेल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर लेता है और ये काफ़ी एक्टिव भी होता है। और हाँ गाइस, इसके जो हेयर हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो आप लोगों को डेली इसकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, वरना आप लोगों को कहीं पे भी इसके अपने कपड़ों में या कहीं पे भी बेड पे काफ़ी हेयर देखने को मिल सकते हैं। सो आप अच्छे से इसकी हर रोज़ ग्रूमिंग करें तो आप लोगों को ये देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और गाइस, इसके जो ईयर्स होते हैं ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं और इस पर बाल भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं गाइस। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप इसे रख रहे हैं तो इसके जो ईयर्स होते हैं इनकी डेली सफाई करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है और डस्ट की वजह से गाइस इनको इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इसके ईयर्स की डेली क्लीनिंग करें। और गाइस, इन डॉग्स के जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं गाइस, ये एक कलर्स में नहीं मिलता, इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं और देखने में ये बहुत ही क्यूट भी लगते हैं यार। अगर आप में से कोई भी इसे बाय करना चाहता है तो गाइस, नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और गाइस, अभी इसकी बात करते हैं इसके प्राइस, इसकी लोकेशन और इसकी एज के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसकी एज के बारे में। गाइस, इसकी जो एज है वो 55 डेज़ ओल्ड है। हाँ गाइस, ये 55 डेज़ ओल्ड का है और इसकी जो लोकेशन है वो नासिक से है। अगर आप में से कोई भी नासिक के आसपास से बिलोंग करता है तो आप लोग इसे डायरेक्टली जाकर ले सकते हैं। और गाइस, अगर आप नासिक के आसपास से बिलोंग नहीं करते और फिर भी इसे लेना चाहते हैं तो गाइस, आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि जो सेलर है, जो ओनर है इसका, वो इसको डिलीवरी कर देगा। जी हाँ गाइस, डिलीवरी अवेलेबल है इसकी, कहीं पर भी आप डिलीवरी करवा सकते हैं, बट उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। वो आप डायरेक्टली ओनर से बात कर सकते हैं कि वो कितना चार्ज लेगा। और हाँ गाइस, ये ओनर के पास सिर्फ लास्ट बचा है और ये मेल है। गाइस, इसका जो प्राइस है वो 8000 है। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो गाइस, जल्द से जल्द ओनर को कॉल करें, क्योंकि क्या पता ओनर कब इसे सेल कर दे। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप इसे जल्दी से जल्दी ले सकें। गाइस, अगर आप लोगों के पास भी कोई पपी है और आप उसे सेल करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के पपीज़ की वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा ताकि उसको सेल होने में काफ़ी मदद मिले। सो गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो आप इसे एक लाइक कर सकते हैं गाइस, क्योंकि एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता बट उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और गाइस, मैं आप लोगों के लिए आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे पपीज़ लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।